हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ओरिफ्लेम के बारे में। ओरिफ्लेम थोड़े ही अरसे के अंदर एक बहुत फेमस वर्ल्ड कॉस्मेटिक्स कंपनी उभर कर सामने आई है। ये 1967 के अंदर कायम हुई, जो स्वीडिश के अंदर इनका मिशन ये था कि ये चाहते थे कि नेचुरल प्रोडक्ट्स के थ्रू हम अपनी कॉस्मेटिक्स बनाएं। इसके अंदर 3.6 मिलियन इंग्रेडिएंट कंसल्टेंट डेट आर प्रोडक्ट्स अराउंड ग्लोब। ओरिफ्लेम को बनाने के लिए दो भाई थे जिनका ये प्रोजेक्ट था। उन्होंने मेहनत करके इस कंपनी को रन किया और दो कमरे लेकर रेंट के ऊपर और वहाँ से काम उन्होंने शुरू किया। और इस टाइम 61 कंट्रीज़ के अंदर इनकी बहुत अच्छी डिमांड है इनकी कॉस्मेटिक्स की। और इन्होंने अपने कॉस्मेटिक्स के नाम ओरिफ्लेम दिया और रॉयल बैनर्स भी इनके छपे गए और बहुत ही कम वक्त के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस होने लगे। इनका सबसे पहला जो प्रोडक्ट था वो 1967 में बहुत ज़्यादा हिट हुआ। और वर्ल्ड वाइड इनकी प्रोडक्ट्स को पसंद करने जाने लगा क्योंकि ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से अपनी प्रोजेक्ट्स बनाते थे। और स्किन के लिए भी काफ़ी हेल्दी और नेचुरल प्रोडक्ट। और इनके लिए इन्होंने कोई शॉप्स वगैरह नहीं बनाई बल्कि इन्होंने पर्सनल लोगों को कलेक्ट किया और उनको अपनी टीम में शामिल किया और कमीशन बेस काम शुरू किया। और एक शख्स दूसरे शख्स को रिकमेंड करता है जिससे उसको कॉइन्स मिलते हैं, गिफ्ट्स मिलते हैं, जिसके थ्रू वो काम कर पाते हैं। और गिफ्ट्स वगैरह के थ्रू और कुछ गिफ्ट आते हैं जिससे लोग इस पे काम करते हैं। नेचर इंग्रेडिएंट होने की वजह से ओरिफ्लेम बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली इन्होंने प्रोडक्ट्स के अंदर इंग्रेडिएंट यूज़ किए जो कि ना सिर्फ यानी स्किन के लिए भी नुकसानदेह नहीं थे, ना पौधों के लिए नुकसानदेह, ना ज़मीन के लिए नुकसानदेह थे। ओरिफ्लेम के जो प्रोडक्ट्स हैं ये नेचुरल प्लांट्स से एक्सट्रैक्टेड यानी कि पौधों वगैरह से और ज़िंदा जानदारों से और मछली के ऑयल से, इस तरह के जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं उनसे बनाए गए प्रोडक्ट्स हैं जो कि बहुत ही हेल्दी हैं स्किन के लिए। और ये प्रोडक्ट जो है किसी डेड एनिमल वगैरह से नहीं बनाए जाते क्योंकि इनकी पॉलिसी ही नहीं है कि किसी डेड एनिमल से इनके प्रोडक्ट्स बनाए जाएं। और उसके अलावा इन्होंने स्किन रिसर्च सेंटर कायम किए जो यहाँ पर रिसर्च की जाती थी कि स्किन के लिए कौन से अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। और अभी भी ये 2019 के अंदर ये रिसर्च सेंटर कायम किया गया जहाँ पर आज भी बहुत
बहुत ज़्यादा रिसर्चर इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि स्किन के लिए कौन सी। आप अगर हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।